में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हमारे मेजबान साजो गोरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा सच साजो गोरी के साथ। नाज़रीन आज मैं तमाम पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर माइनॉरिटी का कैंप है, जहाँ पर हमारे साथ सबका MP महबूब बिरसा मौजूद है। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर खबर चली जो कि बड़ी हैरान की खबर थी कि एक थाने में बैठा बंदा जो लोगों को वीडियो में बता रहा है कि जी जमान पार्क में एक औरत आई जिसने सबका MP महबूब गिल साहब को कुछ डॉलर दिए हज़ारों की तादाद, और वो डॉलर उसने कहा कि जी मैंने उनको डॉलर दे दिए, अब मुझे वो पैसे वापस नहीं कर। बताया तौर पर उसने एक फेसबुक ID भी शो करवाई जिस पर उन्होंने वो पोस्ट डाली, और कहा गया कि संडे वाले दिन वो बीबी वो औरत यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर खुशी करेगी, अब उसको पैसे देना। संडे गुजर गया, देर साथ महबूब गिल साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि उस सोशल मीडिया के ऊपर जो एक वीडियो वायरल की गई, जो आपके खिलाफ की गई, उससे क्या तासरात नज़र आ रहे हैं आपको, और क्या वो कितनी बात वो सच है कि महबूब गिल साहब सही? सबसे पहली बात ये है कि मुझे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हुए 3 साल हो गए, ठीक है। मेरा ये तजर्बा और जो कुछ मैंने सीखा है, जिस तरह मेरे पकवान के साथ हो रहा है, मेरे कायर के साथ हो रहा है, वो यही है कि जब आप सियासी तौर पे किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप उसकी भारतीय अंग्रेज की बात याद करें, ठीक है। ये मैं क्या आपको भी बताया, पूरे पाकिस्तान को बताया और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लोगों को बताया, बिल्कुल कन्फर्म बताया कि मैं 90 दिन से यहाँ बैठा हूँ, 28 जनवरी से लेकर आ गया 90 नहीं चलो 86 साल। एक तो मैं को पार्टी का बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, बहुत खान का करीबी नहीं हूँ, तो मुझे कोई टिकट के लिए पैसे देगा, मैं तो खुद एक वर्कर हूँ, अपने टिकट के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए वो खबरें आपने एक का जिक्र किया, 2 खबरें एक ही पोस्ट में आई, वो मुझे भी पोस्ट भेजी गई, मुझे भी वो जो फेक ID बनी हुई दौर थी जबीना का नाम था, मुझे भी आई रिक्वेस्ट, वो खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाई गई, वो अट्रैक्ट किया गया, और वो तमाम जो पीछे के लोग थे उनको उसकी रिक्वेस्ट भेज दी, वो चले गए, और अभी भी आप चेक करें उस पेज पे वही 4 पोस्टें लगी ना, उससे पहले कभी कोई पोस्ट लगी है ना उसके बाद, ठीक है। वो बनाई गई थी कि मैंने 2 शादियाँ की हैं, 3-4 मेरी गर्ल फ्रेंड्स हैं, और मैंने किसी खातून से जो आई है बाहर से ओवरसीज है उसके 55,000 डाले, और उसका जब इन्होंने तर्जमा किया जो मुखालफी लोग थे तो उन्होंने उसका तर्जमा किया उससे 10 लाख ले, मैंने उनको कहा अपनी कैलकुलेशन को देख डाले 55,000 डाले तो 1.5 करोड़। अच्छा फिर वो चल गया जी कि वो बीबी इतनी परेशान है, फलां उसका साथ लाए, फलां बीबी को ढूंढेगा, उस पर यहाँ से भट्टी का नाम आया, अनवर फजल का नाम आया, डॉक्टर लियाकत कसर का नाम आया कि ये लोग बैठ चुके हैं, और बीबी ने किसी को डालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जमान पर बैठा हूँ, कल आप यकीन करें यहाँ से किसी से पूछ रहे कल की जो कवरेज है उसकी तस्वीरें देखी, मैंने पूरी फैमिली को बुलाया है, ठीक है। मेरी बहन जी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी भाभी, मैंने सबको बुलाया कि वो आ रही है जी, मेरी को दूसरी बीबी, अब उसको घर लेके जाना, अब वो पता नहीं कब आनी है, कैसे आनी है, मुझे हम तो यहाँ बैठे हैं जिसने पैसे लेने वो आ जाए, तो मेरी ये बार बार एक ही है जिसके पैसे हैं वो आए अपने पैसे ले, और अगर किसी को मेरी बीबी है दूसरी को कर रही है हम सबूत देंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे सबूत की भी जरूरत नहीं, ठीक है। वो आए मैं उसको कबूल करता हूँ, जो भी मेरी बीबी है मैं उसको कबूल करता हूँ, मुझे किसी से नहीं कबूल। अच्छा उस पोस्ट की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी फैमिली को भी बात करते क्या? नहीं, मैंने खुद बुलवाया, मेरी फैमिली को पता नहीं था। अच्छा मैंने खुद बुलवाया, ठीक है। क्या आप ही समझते कि ये हफ्ते का दावा भी आप शुरू कर सकते? देखिए इस तरह का फ़ायदा नहीं है एक बंदे को हमें छोड़ देने की, एक बंदा मुझे पता है जिसने बनाई है, जिसने बनवाई है, मुझे सबको पता है, ठीक है। वो एक बंदा थाईलैंड बैठा है, ठीक है, मैं उसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई करके क्या करूँ? आपका मेरा वादा है जब वो पाकिस्तान आ जाए, ठीक है, तो आप जो लोग मुझे जानते हैं फैसलाबाद में उसमें बाकी खैर है, इस तरह के अलावा बुलाएं जो उसने फैमिली के बारे में बातें की थी वीडियो में, वो उसको उसका खुदा करे कभी मिले उसको जरूर उसका आराम से। अच्छा एक खबर तो हो गई जो उसके ऊपर तस्वीर लगाई गई वो एक टिकटॉकर यंग लड़की है, क्या उससे तस्वीर से आप अच्छी महसूस हुई?
मैं तो एक आई टी को इतना ज्यादा समझता नहीं, मैं साझा का बंदा हूँ जितना मोबाइल चला लिया वर्क करते हैं, वो मेरे दोस्तों ने साथियों ने जिनको गुस्सा था उन्होंने उस पर सर्च की और उनकी ये कहाँ से तो वो निकली जी प्रोफेसर टिकटॉकर है जिसकी वो तस्वीर लगाई। ठीक है, आप हमारे पिछले कम्युनिटी के लोगों को उस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये एक लफ्ज़ होता है चैलेंज, वो क्योंकि मेरे अपने लोग हैं, मैं चैलेंज तो नहीं कहता, मेरी मेहनत है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको वो मिट्टी मिले, जिसका रास्ता हो, मैं इधर बैठूँ। जब तक ईमान पार्क में खान के लिए खतरा है, हम कैसे लगा के बैठे, महीना लगे, दो लगे, तीन लगे, चार लगे, यहीं बैठे। जिसको वो मिट्टी मिल जाए, जिसको उसका पता हो, वो उसको ले आए आके, अगर उसके पैसे हैं मुझसे ले, अगर वो बीबी मुझे कहे कि फलां बैठी है मैं वहाँ जाने लगे, तो मुझे पता तो लगे खाबों में हमें बातें बना के कर लेनी, मेरी बीबी दूसरी बना दी, वो कहीं मिलते मैं बिल्कुल आता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, जिसने पैसे लेने आ जाए, जो मर्जी उसके साथ आ जाए, मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। मैं यही बैठा हूँ, मैं स्पिरिचुअल वर्कर हूँ और मैं आप देखे खान के ऊपर क्या क्या आता हूँ। ये वो जब आप नहीं किसी का मुकाबला करेंगे, सियासी तौर पर नहीं कर सकेंगे, आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो फिर आपको कोई हमले करने पड़ेंगे उनके, जिसके वो बेचारा कहे कि मैं आप इसका क्या जवाब, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊँ। मेरे एक एक बंदे को घर था, मेरे हालात, हर बंदे को पता कि मैं किससे कितने पैसे खा सकता हूँ, मेरे बारे में दोस्त बिल्कुल जानते, किसी ने भी इस बात को लिखी नहीं। अच्छा, आप उनका शेयर करूँगा, आप इसलिए मैं इमरान खान साहब की तरफ से ये इकदाम लेते हैं, पब्लिसिटी मिल जाती है न्यूज़ में, खबरों में, क्या इस खबर से आप को कसरी मिली? आप कह लें मुझे पब्लिसिटी मिले ना मिले, मेरी वजह से उनका चेहरा नंगा होता है, वो जो बेशरम लोगों ने बताया, जो लोग मुझे जानते थे उनको पता चल गया कि ये बंदा जब भी कोई खबर लगाएगा झूठी लगाएगा, जो लोग मुझे जानते जिनको मेरा पता है उनको बेशरम का कभी इतबार नहीं आएगा, वो सच्ची खबर भी लगाएगा लोग उसकी खबर नहीं देते। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि अबू गिल साहब ऑन एयर ये बात कर रहे हैं कि $56,000 यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की मालियत बनती है, उन्होंने कहा कि वो बीबी आए, मैं यहाँ पर जमान पास के लिए उसी दिन से बैठा हूँ, जिस दिन का कहा गया कि संडे वाले दिन मैं आऊँगी, संडे भी गुजर गया, आगे भी वो कह रहे हैं कि मैं यहीं पर हूँ जमान पास में, वो बीबी आए मुझे मिले, तो मुझे बताए कि मैंने कहाँ किसके सामने पैसे दिए, और मैं ज़रूर देने के लिए तैयार हूँ, कम अज़ कम वो बीबी आए तो सही। इस तरह की झूठी खबरें फैलाना उस बंदे के लिए जो किस तरह पोलिटिकल मामला में हो, लीडर हो या वर्कर हो या साहब का एम पी भी, उस खबर को झूठी लगाने से पहले ये सोचा जाइए कि क्या उस खबर से उस बंदे की पब्लिसिटी में इजाफा होगा या नुकसान। कोई भी ऐसी खबर जो मसाला लगा के लगाई जाए उससे ख़ास तौर पर उसी बंदे को फ़ायदा होता है जिसके खिलाफ लगी, उसका सबूत उन्होंने दे दिया। मेरा ख्याल है कि इसी का इंतज़ार करेगा यहाँ बैठ कर वहाँ पार्टी, अगर वो बीबी है असल में है तो ज़रूर जुमान पाक में आए और महबूब गिल साहब, महबूब गिल साहब के साथ मिले आए, तो ऐसी खबरों को देखने से गुरेज करें और असल हकीकत के ऊपर आएँ, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर आया और सारी हकीकत आपके सामने। फिर भी नई नई टॉपिक साहब के लिए।